इस वक्त गुलमर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलमर्ग के बूटा पत्री इलाके में जो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर एक आर्मी गाड़ी पर अटैक किया गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर फायरिंग कंटिन्यू है। और आपको बता दूं कि इस अटैक में 5 आर्मी के जवान घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले जिस तरह के हालात वादी कश्मीर में बनते नजर आ रहे हैं, पहले गांधरबल के गगनगीर इलाके में इतना बड़ा अटैक हो गया जिसमें 7 जाने गई, जिसमें 1 कश्मीरी और 6 नॉन कश्मीरी शामिल थे, और उसके बाद आज त्राल में जिस तरह से एक नॉन लोकल इंजर्ड हो गया। और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या कुछ कारण है। बताया जा रहा है कि गोली का शिकार उसे भी बनाने की कोशिश की गई। और आज तीसरा अटैक, बैक टू बैक तीसरा अटैक गुलमर्ग के बूटा पत्री में किया गया है, जहां पर एक आर्मी गाड़ी को निशाना बनाया गया है और 5 जो आर्मी के जवान है गंभीर रूप से घायल है। और ये जो आर्मी की गाड़ी है 18 राष्ट्र राइफल्स यानी कि 18 RR से बिलोंग करती है। और गुलमर्ग का बूटा पत्री इलाका नागिन इलाके के पास बताया जा रहा है कि ये बड़ा अटैक आर्मी की गाड़ी पर किया गया है और अभी भी फायरिंग वहां पर कंटिन्यूड है। 5 आर्मी के जवान घायल होने की खबर फिलहाल बताई जा रही है, पर जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। और अभी अभी जिस तरह से गुलमर्ग की बूटा पत्री, जो कि आप सभी जानते हैं कि जो गुलमर्ग जाता है वो बूटा पत्री भी जाता है, एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसे माना जाता है, और वहां पर इस तरह एक और अटैक होना बैक टू बैक, पहले गांधरबल के गगनगीर में, उसके बाद आज त्राल से खबर सामने आई एक नॉन लोकल को निशाना बनाया गया, फिर श्रीनगर से खबर सामने एक नॉन लोकल की डेड बॉडी पाई गई। और हालांकि उस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी जो आर्मी की गाड़ी पर अटैक किया गया है उसमें 5 आर्मी के जवान घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही और कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने आएगी, क्या नया अपडेट सामने आएगा, अब तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी। देखते रहे जी की न्यूज़।